किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बना रहे हैं बब्बू भाई की सहारा डेयरी फार्म से। अपनी ये कुछ गायें मंडी पे लेकर आए थे। आपको पता है ये भारत की सबसे ज़्यादा बड़ी मंडी और सबसे ज़्यादा सस्ती मंडी है। हजारों की तादाद में गायें भैंसे यहाँ पे आती है और सेल हो जाती है। पूरे भारत के किसान इस मंडी पे गायें खरीदने के लिए, भैंसे खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑल इंडिया की डिलीवरी अवेलेबल है। अगर इस मंडी के एड्रेस की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे ये मंडी लगती है। तीन स्टेट का जो बॉर्डर पड़ता है, तीनों का वहाँ पे ये मंडी लगती है। पंजाब में हर संडे को ये मंडी लगती है, यानी कि महीने पे चार बार। तो आज बब्बू भाई ने इस मंडी से कुछ गायें सेल करी है। कहाँ के लिए गायें सेल करी है, क्या रेट की इन्होंने गायें सेल करी है, कितने दूध की गायें हैं, उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। स्क्रीन पे बब्बू भाई का नंबर आ रहा है। अगर आपने गायें खरीदनी है तो एक बार इनके साथ संपर्क जरूर करना। अच्छी अच्छी क्वालिटी की गायें आपको सस्ते रेट पे मिल जाएगी। ब्रीडेड गायें भी मिल जाएगी और क्रॉस गायें भी मिल जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान भाइयों ने अभी तक अपना चैनल मालवा फार्म सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे निवेदन रहेगा कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए अलग अलग पंजाब से पशु जो सेल होते हैं या सेल के लिए अवेलेबल होते हैं उनकी वीडियो शेयर करते रहते हैं। और किसान भाइयों का मालवा फार्म की टीम के द्वारा धन्यवाद किया जा रहा है कि मालवा फार्म को इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं और इतना मालवा फार्म के ऊपर यकीन करते हैं कि जो मालवा फार्म पे जिस भी व्यापारी भाई की वीडियो आएगी वो जेन्युइन होगा। तो सभी किसान भाइयों का धन्यवाद इतना अच्छा प्यार देने के लिए। आए बब्बू भाई से बात करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर। आज मंडी पे कितनी गाय लेके आए? आज लेके आई हम 13-14 गाय लेके आए सर। कितनी सेल होगी, कितनी बाकी है? 8 गाय सेल होगी सर, झारखंड में जा रही है और 5-6 सेल के लिए अवेलेबल है। जो गाय सेल की हैं, एवरेज रेट क्या रहा गाय का? एवरेज सर कुछ 60 से लेके कुछ 70 तक, कोई जैसी जैसी ब्रीडिंग होती सर 60 से लेके हमारे पास 1.5-2 लाख तक की रेंज गाय मिल जाएगी। जैसी भी किसी को क्वालिटी चाहिए, ब्रीडिंग वाली चाहिए, क्रॉस चाहिए, कैसी शाही वाल चाहिए, एचएफ चाहिए, वैसी अपने पास अवेलेबल हो जाएगी सर गाय। और एवरेज दूध 25 से लेके 30-32 तक की मिल्किंग की क्वालिटी मिल जाएगी सर। जो गायें सेल की हैं उनकी दूध की क्या गारंटी दी है? दूध सर पहली बात तो हमारी जो हमने खुद सेल करी वो हमारे घर की गाय है, हमने सेल करी है, हमने दूध खुद निकाल कर फिर सेल करी है सर। हमें उसका रिकॉर्ड हमारे पास है भी कितना दूध देगी कितना नहीं देगी सर। हमने 25-25 लीटर की गाय दी है सर, क्रॉस ब्रीड की गाय ली है। कस्टमर कब आए थे आपके पास? जे कल आए थे सर हमारे पास। कितनी गाय खरीदी? 8 गाय ली है सर इन्होंने। तो गाय चला कर दिखा दीजिए। हाँ चला कर। जे गाय कौन से इलेक्ट्रेशन? जे सर सेकंड डिलीवरी हुई हुई है। दांतों में 6 दांत है सर। ये कब हुई है डिलीवरी? जे हुई है सर, सुबह डिलीवरी हुई है। नाड़ुआ बिल्कुल कच्चा है बच्चे का, देख सकते हो आप। और ब्रीडिंग वाली गाय है सर, क्रॉस ब्रीड की गाय नहीं, ब्रीक चमड़ी की गाय है सर। ये बच्चा क्या है साथ? जिसके मेल काफ है सर। क्या दूध रहेगा? दूध देगी सर 20-25 से आराम से देगी। हम इनको 35-36, हम 25 कह के देंगे, इनके 30 लीटर दूध निकाले फिर हमारे पास आने का फायदा है सर। क्योंकि जे अच्छी बात करेंगे सर वही बात है, जो गलत करेंगे कोई भी नहीं आएगा सर। आर्डर क्वालिटी देखो, अभी कोई इसको आरा नहीं लगा। जैसे कि मंडी में गाय दूध रोक के आ जाती है वो काम नहीं, बिल्कुल ये गैप नहीं मानो आप। क्या रेट में गाय? 72 की दी है सर। आर्डर क्वालिटी देखो, लेग स्पोर देखो, ब्रीक चमड़ी की गाय देखो और फिटनेस देखो सर। मशीन वाला था ना, चाहे मुट्ठी से दूले चाहे मशीन से दूले, और मिल्किंग वेन देखो सर गाय की, और बिल्कुल शांत स्वभाव की ब्रीक चमड़ी की गाय है सर। मोटा तंबर नहीं, जितनी ब्रीकिंग होगी ना सर उतनी मिल्किंग ज़्यादा देगी गाय सर। आर्डर क्वालिटी आपके सामने है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ताज़ा जनी है इसलिए बच्चा निकला है अंदर से, अभी शटाउ स्टू कर रही है, देखो सर मैला मूला सब फेंक रही है। अब बिल्कुल 5-7 दिन में पूरे खूब दूध पे आ जाना सर गाय ने। जे गाय कौन से इलेक्ट्रेशन में? जे भी सर सेकंड डिलीवरी हुई हुई है। दांतों में 6 है जे भी सर। कब हुई है डिलीवरी? जे हो गए इसको जी 3-4 दिन हो गए जी इसके। अभी 22-23 लीटर इसके नीचे खीस है सर। बच्चा क्या है साथ में? इसके मेल काफ है इसके नीचे भी सर। चला दीजिए इसके, अभी ताजी 6-7 दिन हो गए, कम से कम अभी 15 दिन में खूब मिल्किंग पे आ जाना गाय ने सर। दूध कर जाएगी? दूध ये अभी 21-22 लीटर अभी तैयार है सर। ये दूध देगी 28-29 हमें इसे ऑर्डर को देख के हम 30-32 भी बोल सकते हैं, 35 भी बोल सकते हैं। वो सहारा डेयरी फार्म का वो फेक काम नहीं है, हमारा बहुत पुराना काम है सर। इसलिए तो इस चैनल से हम इतने टाइम से जुड़े हुए हैं सर। क्या रेट में सेल की है? 72 की सेल करी हुई है सर। ये
अर्डर क्वालिटी देखो, फिटनेस देखो, ब्रीड देखो, हाइट वजूद वाली गाय है सर। चाहे ऐसे 1500 2000 किलोमीटर जाएगी ना सर, ऐसी गाय को सफर जेल में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। मिल्किंग वेन देखो, अभी थोड़ा सा दूध हमने निकाल दिया, बच्चों को पिला दिया, क्योंकि जो ज़्यादा मिल्किंग वाली गाय को फिर परेशानी आ जाती है सर। मिल्किंग वेन देखो सर, गाय की जो पहचान होती है ब्रीड की, भी ब्रीड की पहचान है देखो सर, मिल्किंग वेन देखो कैसी है सर। ऐसी गाय सर कोई किसान लेगा सक्सेसफुल में जाएगा सर, कभी को उसको नुकसान में नहीं जाएगा सर। अच्छी ब्रीडिंग वाली गाय लेगा, अच्छे आदमी से लो, ठीक है जी। जे गाय कौन से इलेक्ट्रेशन में? जे सर, जे भी सेकंड डिलीवरी हुई हुई है, रात की डिलीवरी हुई है। दांतों में मैला मूला फेंक दिया सर, दांतों में ये भी छह दांतों की ली है सर। सभी नई गाय ली है, कोई पुरानी गाय नहीं ली सर। जे क्रॉस ब्रीड में है सर, है जी। बच्चा क्या है? इसके मेल काफ है सर, और क्रॉस ब्रीड की गाय, इसको हम ब्रीड वाली कह के दे, ऐसा काम हमारा फेक काम नहीं है सर। जो है जी दूध देगी 28-30 लीटर दूध देगी सर। ये क्या रेट में? ये 72 की दी है सर। अर्डर क्वालिटी देखो, फिटनेस देखो, हम इसको ब्रीड वाली कह के भी दे सकते हैं, पर ऐसा हमारा फेक काम नहीं है। जो हमने जितनी ब्रीडिंग बोली उतनी निकलेगी सर। क्रॉस को क्रॉस कहेंगे, प्योरिटी को प्योरिटी कहेंगे। आप सहारा डेयरी फार्म पे जितनी भी हमारी वीडियो आई है मालवा फार्म पे, आपने देखना सहारा डेयरी फार्म सर्च करके, हमने जितनी ब्रीडिंग बोली उतनी ब्रीडिंग की गाय निकलेगी सर। ऐसे नहीं है भी क्या कहे क्या निकले क्या, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे पास सर कस्टमर आ रहा है। जो गलत काम करेंगे ज़्यादा लंबा समय वो नहीं चलेगा सर। अच्छा काम करेंगे, अच्छे व्यू मिलेंगे हमारे पास, आज ये आगे 10 आदमी को और भी भेजेंगे, हमारी दुकानदारी बनती है सर। क्यों जी? क्योंकि मैं ज़्यादा आपको कहने की ज़रूरत नहीं, आप सर्च मारो सहारा डेयरी फार्म पे, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा भी कैसा है। जो हमारा जब से ये चैनल शुरू हुआ तब से हमारी कंटिन्यू वीडियो आ रही है सर इसी चैनल पर। जो अच्छा काम कर रहे तो इसलिए जुड़े हैं, जो गलत काम करते हैं मालवा फार्म भी हमारी कोई वीडियो नहीं बनाता था सर। जे गाय कौन से इलेक्ट्रेशन में? जे सर, जे भी फर्स्ट डिलीवरी होना है सर इसने। दांतों में जे चार दांत है सर। ये कितने दिन बाकी हैं? जे हम एक दो दिन ले जाएगी सर। ऑर्डर क्वालिटी देखो, फिटनेस देखो, ब्रीक चमड़ी की गाय है सर। जे क्रॉस ब्रीड की गाय है सर। क्या दूध कर जाएगी? फास्ट दूध देगी, 25 लीटर दूध देगी सर। हम इसको 30 लीटर बोले 26 लीटर बोले वो नहीं है, जितना बोलेंगे उतनी। और प्योरिटी देखो गाय की सर, जो ऐसे नहीं भी हम इसको कहें ज्यादा हाई ब्रीड की है, 70% है सर ब्रीडिंग। क्या रेट में सेल की है? जी हमने दी है 62 की सर। अर्डर क्वालिटी देखो, थनों के गैप देखो सर, चारों अलग अलग पड़े हैं और मोटी मोटी धारे सर, जब बच्चा भी धूले, इतनी शांत स्वभाव की गाय है सर। और ब्रीक चमड़ी की देखो, हाइट वजूद वाली नई गाय है सर। ऐसी गाय को सफर जेल में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। किसी ने 2000 आंध्र प्रदेश ले, तमिलनाडु लेके जानी है, केरला लेके जानी, महाराष्ट्र पूरा कहीं भी लेके जानी है, सफर झेलने वाली गाय है सर। किसी हमारे पास प्योर ब्रीड भी मिल जाएगी, क्रॉस ब्रीड मिल जाएगी, शाहीवाल भी मिल जाएगी, HF हमारे पास भैंस भी मिल जाएगी। किसी ने भी हमारे पे हम गाय भैंस खरीदी हो, सहारा डेयरी फार्म पे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कॉन्टैक्ट करके हमारे पास गाय खरीद सकता है सर। रहने बहने की पूरी सुविधा, कोई खाने पीने का कोई चार्जर नहीं है। जो किसान भाई आए हैं उनसे भी आपकी बात करवाते हैं सर। तो ये कस्टमर हैं जो सहारा डेयरी फार्म पे आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इनका व्यवहार कैसा रहा। नमस्कार भाई। नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया है। हम लोग सबसे पहले आप अपना नाम और एड्रेस बता दो। मैं जमीर अंसारी झारखंड से आया हूँ। ये बब्बू खान साहब का ये वीडियो देख करके हम यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर रहने खाने का भी सुविधा बहुत अच्छा दिया इन्होंने, और जो यहाँ पे गाय भी इनके पास है बहुत अच्छा क्वालिटी की गाय है। और यहाँ से हम अभी फ़िलहाल 8 गाय लेकर के जा रहे हैं। कब आए थे सारा डेयरी? कब आए थे? कल हम लोग पहुँचे थे वही तकरीबन 3 बजे। गाय अच्छी मिल गई? गाय अच्छी मिल गई? हाँ, गाय बहुत अच्छी है। रेट कैसा लगा इनका? रेट भी ठीक है। और कोई धोखाधड़ी वाला काम तो नहीं? नहीं नहीं, वैसे नहीं, हम लोग खुद इसीलिए यहाँ वहाँ से झारखंड से आ करके सोचे हम लोग देख करके खुद पहली लेंगे। बार आए हैं? पहली बार हम लोग आए हैं। पहले भी आपके पास एनिमल हैं या पहली बार? नहीं नहीं, पहली बार हम लोग शुरू कर रहे हैं। और खान साहब ने हम लोग को सब चीज़ का जानकारी दिया है कि कैसे खिलाना है, कैसे मिल्किंग करना है, पूरी जानकारी इन्होंने दिया है। अगर कोई भी आदमी अगर लेना चाहता है तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, आकर के उससे संपर्क करेंगे और आकर के खुद लेकर के जाएंगे। तो जो सौदा करते थे आपके सामने करते थे, आपसे पूछ के सौदा किया गाय का? जी जी जी। तो आपसे कोई दिक्कत तो नहीं किया कि सौदे के बारे में? नहीं नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल सही सब कुछ है। और कोई भी आदमी आना चाहे भरोसा करके नहीं पे आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रहने का भी सुविधा है, खाने के भी इन्होंने दिया है। उसका एक्स्ट्रा खर्चा क्या? नहीं, उसका एक्स्ट्रा खर्चा कुछ भी नहीं है। जे मेरे पास कल आ गए थे सर सुबह मेरे पास, इनको कुछ भी नहीं पता, इनसे पूछ भी सकते सर। जो इनको 2-3 गाय का प्रॉब्लम थी गाय में,
वो गाय इनको पता नहीं, ये कह रहे थे फैल कर दो, पर ऐसा हमारा सहारा डेयरी फार्म का काम नहीं है। जो गाय इनको सिलेक्शन करके दी है, इनके बगैर पूछे से हमने कोई रेट नहीं लगाया सर, जो जो जिस इतना जिन्होंने बोला वैसी गाय लेके दी है, इनको कोई नॉलेज नहीं दी, पर हमने अपने हिसाब से गाय लेके दी है सर। ये नेक्स्ट टाइम भी जो सहारा डेयरी फार्म पर विजिट करेंगे सर, ऐसे नहीं है, हम कह रहे नहीं, खुद इनसे पूछो सर, हमारे कहने से नहीं, हम तो कहेंगे बहुत अच्छे हैं, इनके मुँह से हम अच्छे कलवाए फिर मजा है सर। ठीक है जी, किसी ने भी ऑनलाइन ऑफलाइन सहारा डेयरी फार्म पे गाय भैंस शाहीवाल खरीदनी है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, किसी ने भी हमारे से गाय खरीदने कॉन्टैक्ट कर सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।